Vate Vasudevaya Om Namah Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayesu Avadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nestaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Sri Govindaya Namo Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Rangayate Girim Yat Kripam Tam Aham Bande Sri Guru Dinatarinam Sri Paramananda Madhavam Sri Krishna Chaitanya Ishwaram Guruve Gaur Chandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Nama Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamine Tinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pasatya Deshitarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Grantharaj Srimad Bhagavat Mahapurana ki Srila Prabhupada ki Guru Maharaj ki अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताई गौर प्रेम आनंदे तो वी आर रीडिंग श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर नंबर 12 द डिवाइन बर्थ ऑफ किंग परीक्षित और इसमें अध्याय संख्या 12 और श्लोक संख्या 27 आज 27वां श्लोक है हमारे सामने आप में से कोई भक्त बता सकते हैं हमारी वीडियो ऑन नहीं हो रही है 2-3 दिन से इस ऐप में जबकि नेटवर्क वगैरह सब कुछ अच्छा है वीडियो ऑन कर भी रहे थे तो केवल ब्लैक ब्लैक दिख रहा है नॉट ओनली फ्रॉम दिस डिवाइस विद अदर डिवाइस आल्सो तो क्या आप लोग भी चेक करके देखो आपकी वीडियो ऑन हो रही है या नहीं हो रही आपकी भी नहीं हो रही है तो फिर ऐप का फॉल्ट और आपकी हो रही है तो फिर हमारे यहाँ से फॉल्ट जो भक्त सुनने वहां हो रही है वीडियो इसका मतलब हमारे यहाँ फॉल्ट हरे कृष्ण यस प्रभु जी अभी यही दिक्कत है ठीक करना होगा इसको तो 1.12.27 तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपस्यत उपरस्युत्यः मुक्त संगम परम हरे तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रो उपसर्जितात् प्रपस्यत उपसृत्यः मुक्त संगह पदम हरे तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रो उपसर्जितात्
प्रपस्यत्य उपस्वित्यः मुक्त संगः पदम हरे तक्ष कादात्मनो मृत्युम् द्विजपुत्रो उपसर्जितात् प्रपत्तस्यत उपस्वित्यः मुक्त संगः पदम हरे। रिपीट कीजिए। हरे कृष्ण भगवान। यस तक्ष कादात्मनो मृत्युम् द्विजपुत्रो उपसर्जितात् प्रपत्तस्य उपाश्रित्य मुक्त संग प्रदम हरे। ओके और हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तक्षाकात् आत्मनो मृत्युम् द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्राप्तस्यात उपाश्रुत्याः मुक्तसंगः पदम् हरेः। हरि हरि बोल। एनीवन एल्स? गौर हरि। ओके तो ट्रांसलेशन, आफ्टर हियरिंग अबाउट हिज डेथ विच विल बी कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ अ स्नेक बर्ड सेंट बाय अ सन ऑफ ब्राह्मणा ही विल गेट हिमसेल्फ फ्रीड फ्रॉम ऑल मटीरियल अटैचमेंट and surrender unto the personality of Godhead, taking shelter of him. कह रहे हैं, कलम देख रहे हैं, ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मण जो है परीक्षित महाराज को अन्य अलग अलग तरह से इनकी तुलना कर रहे हैं अलग अलग लोगों से। तो कलम ने देखा था कि जो ये बालक होगा ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा और विश्व शांति और धर्म के निमित्त मर्यादा तोड़ने वाले और उपद्रवकारियों को दंड देने वाला होगा। कौन? परीक्षित महाराज। तो आज उन्हीं परीक्षित महाराज के बारे में बता रहे हैं कि वह ब्राह्मण पुत्र द्वारा भेजे गए तच्चक नाक के डसने से अपनी मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं की शरण ग्रहण करेगा। यानी कि ये बात ब्राह्मणों ने पहले ही बता दी है युधिष्ठिर महाराज को कि समय आएगा आगे चल करके और ये जो ब्राह्मण पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र इनको श्राप दे देंगे कि तक्षक नाग आपको डसेगा और उससे आपकी मृत्यु होगी। और अपनी मृत्यु की बात सुन करके ये जो बालक है परीक्षित महाराज, ये समस्त भौतिक आसक्तियों से अपने आप को मुक्त कर देंगे और मुक्त करके भगवान को आत्मसमर्पित कर देंगे और उन्हीं की शरण ग्रहण कर लेंगे। तात्पर्य बाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की। भौतिक आसक्ति तथा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने में कोई मेल नहीं है। भौतिक आसक्ति का अर्थ है भगवान की शरण में दिव्य सुख के प्रति अज्ञान। इस संसार में रहते हुए भगवान की भक्ति में सेवा भगवान के साथ दिव्य संबंध बनाए रखने हेतु अभ्यास करने का साधन है। तो भक्ति में सेवा क्या है? वास्तव में एक साधन है जिसके द्वारा हम भगवान के साथ अपने संबंध को बनाए रखने का अभ्यास करते हैं। ये भक्ति है। और जब ये भक्ति परिपक्व हो जाती है तो मनुष्य समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है और मुक्त होकर के भगवान के धाम वापस जाने के लिए सक्षम हो जाता है। महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में शरीर धारण करते हुए भगवान के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त हो चुके थे और निरंतर भगवान की ही शरण में रहते थे। ब्राह्मण पुत्र द्वारा दिए गए शाप के 7 दिन के अंदर ही अपनी मृत्यु की तथा कथित चेतावनी उनके लिए वरदान थी। मृत्यु तो औरों के लिए मृत्यु सर्व हरस पापम, मृत्यु सारे तरह के पापों को हर लेती है, पुण्यों को भी हर लेती है। जितना मैंने इकट्ठा किया, बंगला मकान गाड़ी दुकान, सबको मृत्यु एक झटके में हर लेती। वो मृत्यु किसी किसी के लिए शाप होती है और किसी किसी के लिए वही मृत्यु वरदान होती है। परीक्षित महाराज के लिए वो
मृत्यु वरदान है, क्योंकि परीक्षित महाराज संत है, भगवान के भक्त है। तो जो भगवान के भक्त है वो मरने को लेकर डरते नहीं, मृत्यु तो उनके लिए क्या है, एक वरदान है, क्योंकि इस मृत्यु के बाद ही वो भगवान के धाम जा पाएंगे। क्योंकि जब तक इस मृत्यु के लोक में है, इस शरीर के साथ भगवान के धाम नहीं जा सकते। वो तो वेट कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, वेट, कब ये शरीर छूटेगा, कब भगवान से हमारा मिलना होगा। इसीलिए एक संत कह रहे हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। जिस मरने से सारा संसार डरता है, उस मरने से मेरे मन में क्या आता है, आनंद आता है। क्यों? क्योंकि मरने से ही तो पूरी तरह से आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि मरने से ही तो भगवान के धाम की प्राप्ति होगी, भगवान के प्रेम की प्राप्ति होगी। लेकिन जिस व्यक्ति ने भक्ति ही नहीं की, दिन भर में नरक वाले काम किए, वो तो मरने से डरेगा ही, क्योंकि उसने मरने के बाद कहाँ जाना है, नरक जाना है, या फिर किसी जानवर की योनि में जाना है, इसीलिए वो व्यक्ति डरेगा। लेकिन संत पुरुष जानते हैं कि वो भगवान के धाम ही जाएंगे, तो इसलिए वो मृत्यु से डरते नहीं थे। इसी प्रकार परीक्षित महाराज भी मृत्यु से ना डरे, बल्कि खुश हो गए, और खुश होकर के भगवान की इस वाणी को, भगवान की कथामृत को उन्होंने 7 दिन तक लगातार पान किया। और चूंकि वे भगवान द्वारा सदा ही रक्षित थे, इसीलिए यदि वे चाहते तो भगवत कृपा से इस साप के प्रभाव से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने बिना किसी कारण के भगवान की कृपा का उपयुक्त लाभ उठाना पसंद नहीं किया, प्रत्युत उन्होंने इस हानि के व्यवसाय का सर्वोत्तम लाभ उठाया। कई बार लोग लाभ से भी लाभ नहीं उठा पाते, और कई बार हानि से ही लाभ उठा देते। तो हानि क्या थी, किसी ने श्राप दिया था, इसका लाभ कैसे उठाया, भगवान की शरण में जाकर इसका लाभ उठाया। और प्रत्युत अगर सुखदेव परीक्षित महाराज चाहते तो भगवान की भक्ति इनके पास इतनी थी, आराम से बच सकते थे इस उपाय से, इस श्राप से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने इसमें पॉजिटिविटी देख करके इसका उपयोग किया भगवान के धाम को जाने के लिए। उन्होंने निरंतर 7 दिनों तक उपयुक्त पात्र से श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया, और इस प्रकार वे भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सके। श्रील परीक्षित महाराज की जय, श्री श्री सुखदेव गोस्वामी की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो हमारा मैसेज क्या है, मैसेज इस प्रकार से है कि कुछ भी घटना हमारे जीवन में क्यों ना हो, चाहे वो लाभप्रद हो चाहे हानिप्रद हो, हमें उस हर स्थिति में भगवान की शरण में जाना है। भगवान की शरण में जाकर के इस हानि का भी लाभ उठाया जा सकता है और लाभ का भी लाभ उठाया जा सकता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेम आनंदी हरि हरि बोल। संसार दावान लली डाल।